नंबर फोर के बारे में भी बताइए कि क्या है इनका पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्या है, कैसा साल रहेगा, सब कुछ। नंबर चार जो है राहु का नंबर है, तो बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की फोर्थ को, 13th को, 22nd को और 31st को पैदा हुआ तो वो राहु रूल्ड हो गया। इसको कोई भी दिन असाइन नहीं किया गया जैसे दूसरे प्लैनेट्स को असाइन किया गया, इसको कोई दिन असाइन नहीं किया गया है ना। सो जबरदस्त है। और इसका ना एक ट्रेट है कि माई विश, मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से करूंगा भाई, तुम्हारे हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो ये हार्ड वर्क पे बहुत बिलीव करता है और हाथ वाले कामों में बड़ा अच्छा है, जैसे स्टेपनी बदलने हो गई या कुछ ऐसा काम जिसमें हाथ इन्वॉल्व है ना, हार्ड वर्क है, प्रोसेस है, डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है ना, एंड पेशेंट है, लॉयल है, मतलब स्टिक करता है चीजों के ऊपर, ओके। और यस, इसके नेगेटिव ट्रेट्स भी है कि आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, आर्गुमेंटेटिव होने के कारण नॉट फ्लेक्सिबल हो जाता है, कहीं पे भी बकेड़ा खड़ा कर सकता है, झगड़ालू है, तो लड़ेगा नहीं जाके, मंगल की तरह लड़ेगा नहीं, बट स्टबन हो जाएगा अपने आप। मैं सही हूँ, हाँ मैं सही हूँ, मेरी मान लो, मेरे हिसाब से चल लो। एंड कई बार डिप्रेस हो जाता है इस कारण से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो अपने हिसाब से चलेगा बंदा तो डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन इसके काफी चीजें अच्छी भी है, प्रोसेस सेट करने में बड़ा अच्छा है। तो जहां पे देखो, हमने बात करी सन की, तो सन क्या थे हमारे जो है वो देव सभा में बिल्कुल यू नो राजा थे, फिर आई रानी, बड़ी सौम्य, बड़ी शांत, बड़ी चंचल, बड़ी इमेजिनेटिव, बड़ी इमोशनल, बड़ी टिमिड है ना। फिर आए जुपिटर, वो कोट बूट पहन के अपना बढ़िया प्रोफेशनल है, लेकिन मेडिटेटिव है, नॉलेजेबल है, सोशल सर्कल वाले हैं, बड़ा बोलने का बड़ा शौक है उनको, है ना। नंबर जब चार आया, नंबर चार अपने हिसाब से चलने वाला, इसको गुंडा बोलते हैं, राहु इज गुंडा, तो अमित शाह जी इज एग्जांपल ऑफ, अच्छा अमित शाह जी नंबर चार है, नंबर चार है, काफी मतलब ये तो क्लियर हो जाता है अब कि क्यों जिस तरह से वो है उस तरह से क्यों है। हाँ जी।